हार्मोन का कार्य क्या है जरा देखते हैं। हार्मोन जो है आपका संदेश वाहक के तरीके कार्य कर रहा है। हार्मोन किस तरह से कार्य कर रहा है, संदेश वाहक की तरह कर रहा है, और यह भी पूरी बॉडी में कार्य करता है। ये नहीं कि जहां से निकल रहा है सिर्फ वहीं पे अपना कार्य कर रहा है, पूरी बॉडी में अपना कार्य कर रहा होता है। संदेश वाहक यह क्या काम करता है, जो हार्मोन निकलते हैं जा करके विभिन्न हिस्सों तक संदेश पहुंचाते हैं, और वह हिस्सा उस संदेश को ग्रहण करते हुए क्या काम करता है, उसको उसके ऊपर एक्ट करता है। सपोज जैसे अगर मैं बात कहूं आपसे, रक्त में कैल्शियम की मात्रा अगर कम हो गई, रक्त में कैल्शियम की मात्रा कम हो गई, तो जो आपकी पैराथायराइड ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि है एक, वह क्या काम करेगी, वह एक आधे एक संदेश भेजेगी मस्तिष्क के पास, ठीक है। और मस्तिष्क क्या काम करेगा, हड्डियों को आदेश करेगा कि आप जो है कैल्शियम को थोड़ा सा रक्त में छोड़े, ताकि रक्त में जो कैल्शियम की कमी है वह पूरी की जा सके। तो यह संदेश वाहक के तरीके काम कर रहा होता है। तो हार्मोन संदेश वाहक की तरह काम करता है, जहां से निकलता है वहां पर भी कार्य कर सकता है, और शरीर के अन्य हिस्सों पर भी अपना कार्य दिखा सकता है, ठीक है। तो जरा इसके उदाहरण देखें, हमें मेनली इन्हीं को डिस्कस करना है, इनको हमको डिस्कस नहीं करना है। यहां से सवालें आपकी नहीं बनेंगी, बनेंगी तो आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियों से ही बनेंगी। जरा देखते हैं क्या बनेंगी। उदाहरण पहले देख लेते हैं, पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय, हमको इन्हीं छह ग्रंथियों के बारे में ओवरऑल पूरा जानकारी लेना है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम पीयूष ग्रंथि से। पीयूष ग्रंथि पर आते हैं, यह मस्तिष्क में अवस्थित होती है, ठीक है, मस्तिष्क में अवस्थित होती है। मानव शरीर की दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है, जो कि कहां अवस्थित रहती है, मस्तिष्क के स्फेनॉइड हड्डी में अवस्थित होती है। यह दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है, आपने बहुत ढेर सारी बुक्स में पढ़ा होगा कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, पीयूष ग्रंथि है, पर ऐसा नहीं है, यह दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है। तो सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है भैया पिनियल। क्या है, पिनियल ग्रंथि है, पिनियल ग्रंथि में वो भी मस्तिष्क में अवस्थित रहती है। यह क्या काम करती है, नींद वाले हार्मोन निकालती है, और उस नींद वाले हार्मोन का क्या नाम है, मेलाटोनिन। क्या नाम है उसका भैया, मेलाटोनिन नाम है, नींद वाले हार्मोन निकालती है। इसके बारे में बहुत ज्यादा स्टडी नहीं हो पाई है, ठीक है, लेकिन अगर आपके एग्जाम में आ जाता है यह सवाल और यह पूछा जाता है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, और चारों ऑप्शनों में उसमें पिनियल भी दिया है और पीयूष भी दिया है, तो सबसे सही आंसर हो जाएगा आपका पिनियल। लेकिन अगर अगर ऐसा आया है कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि बताएं और उसमें पिनियल है ही नहीं, आप अपने दिमाग ज्यादा मत दौड़ाइएगा, सीधा सीधा आंसर किसको मार्क कर दीजिएगा, पीयूष को फिर, ठीक है, क्योंकि वहां पर सबसे छोटी ग्रंथि है, पीयूष ही बसती है पिनियल के बाद। अब ये कहें कि सवाल ही गलत हो गया, सबसे छोटी ग्रंथि तो आपकी पिनियल है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जो है सवाल के हिसाब से आप पीयूष पर चले जाइएगा। अगर पिनियल और पीयूष दोनों हैं तो पिनियल को मार्क करिएगा, और अगर पिनियल नहीं है तो जाहिर सी बात क्या है, उत्तर क्या हो जाएगा आपका, पीयूष ग्रंथि हो जाएगा, ठीक है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं भैया, इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को क्या काम करते हैं, मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, और ये मास्टर ग्लैंड जो है अन्य ग्रंथियों पर कंट्रोल करती है, इस वजह से इसको मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, या अन्य और ग्रंथियों पर अपना कंट्रोल करती है, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि बोला गया है। पीयूष ग्रंथि मुख्यतः छह प्रकार के हार्मोन निकालती है, हमें उन छह प्रकारों को नहीं पढ़ना है, उसमें सबसे जो प्रमुख है जिसको क्या बोला गया है, एसटीएच हार्मोन बोला गया है, सोमैटोट्रोपिन हार्मोन, इसके बारे में हमको थोड़ा सा डिस्कस करना है। सोमैटोट्रोपिन हार्मोन क्या काम करता है, मुख्यतः हड्डियों का विकास करता है, इसकी कमी होने पर बौनापन हो सकता है, एवं अधिकता होने पर क्या हो सकता है भैया, भीमकायत्व हो सकता है, ठीक है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स की बात मैं यहाँ नहीं करूंगा, कि अगर दोनों पेरेंट्स मान लीजिए आपके दोनों का साइज छोटा है तो हो सकता है आने वाला ऑफ स्क्रीन भी उनका क्या होगा, छोटा ही होगा, लेकिन अगर दोनों पेरेंट्स की हाइट सेम है और बच्चा छोटा अगर आ रहा है तो हो सकता है कि वहां पर यह हार्मोन का डिसबैलेंस
हो उसके शरीर में, ठीक है, या मतलब समय के साथ उसकी हाइट अगर नहीं बढ़ रही है तो वो हो सकता है एसटीएच का हार्मोन की कमी हो, ठीक है। तो यहाँ पर इनके बारे में जरूर याद रखिए कि पीयूष ग्रंथ से इतने पॉइंट्स आपको याद रखने की आवश्यकता है। नेक्स्ट ग्रंथि पर आते हैं यार, नेक्स्ट ग्रंथि है आपकी एड्रिनल ग्रंथि, ठीक है। नेक्स्ट ग्रंथि क्या है, एड्रिनल ग्रंथि है, यह किडनी के ऊपरी हिस्से पर पाई जाती है, ठीक है, किडनी के ऊपरी हिस्से पर पाई जाती है, रक्षा हार्मोन निकालती है जिसे क्या बोला गया है, एड्रिनलीन। यह रक्षा हार्मोन निकालती है जिसे क्या बोला गया है, एड्रिनलीन बोला गया है। इस हार्मोन को लड़ो उड़ो हार्मोन भी कहते हैं, क्या बोलते हैं इस हार्मोन को, लड़ो उड़ो हार्मोन भी कहते हैं, फाइट और फ्लाई हार्मोन, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको याद रखिएगा, फाइट और फ्लाई हार्मोन, लड़ो उड़ो हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि यह हार्मोन तब निकालते हैं जब आपके सामने कोई खतरा आ जाता है और उस समय या तो भैया बोलेगा लड़ लो और या तो वहां से भाग लो, ठीक है, इसलिए उसको लड़ो उड़ो हार्मोन भी बोलते हैं, रक्षा हार्मोन बोला जाता है। सपोज सामने कोई शेर आ गया तो तुरंत यह हार्मोन्स क्या होंगे, सक्रिय हो जाएंगे और आदेश करेंगे मांसपेशियों को, मस्तिष्क आदेश पहुंचेगा और आपको यह आएगा कि भैया भाग लो यहां से, ठीक है। तो यहां पर यह हार्मोन क्या बोला जाता है, फाइट और फ्लाई हार्मोन। यह रक्तचाप को नियंत्रित करता है, जाहिर सी बात है अचानक से शेर वगैरह आ गया तो हार्ट बीट्स बढ़ जाएंगी, तो पूरा ब्लड प्रेशर को यह उस समय नियंत्रित करता है, कौन भैया आपका, रक्तचाप को नियंत्रित करता है कौन आपका, एड्रिनलिन ग्लैंड, और जो हार्मोन निकल रहा है एड्रिनलिन, एड्रिनलिन ये इस ग्रंथि को जो है दो भागों में और डिवाइड किया गया है, कौन कौन से, कोर्टेक्स और मेडुला, कोर्टेक्स और मेडुला। कोर्टेक्स का काम है दो तरीके के हार्मोन निकालना, एक सेक्स हार्मोन निकालेगा और एक दूसरे का नाम है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ठीक है, सेक्स हार्मोन, सेकंड इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। सेक्स हार्मोन में अगर देखेंगे तो मेल सेक्स हार्मोन को क्या बोला जाता है, टेस्टोस्टेरोन, एंड फीमेल सेक्स हार्मोन को क्या बोला जा रहा है, प्रोजेस्टेरोन। ये याद रखिएगा, कई एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, मेल सेक्स हार्मोन को क्या बोला जाता है भैया, टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल सेक्स हार्मोन को क्या बोला जा रहा है, प्रोजेस्टेरोन, क्लियर। इसके बाद मेडुला क्या करता है, एपिनेफ्रिन नामक हार्मोन निकालता है जो आपका हार्ट रेट, हार्ट बीट, बीपी, इन सब पर नियंत्रण करता है, कौन, मेडुला आपका किसके ऊपर नियंत्रण करता है, श्वसन पर, ठीक है, हृदय गति पर, रक्तचाप पर, इन चीजों के ऊपर आपका यह नियंत्रण करता है। यहां पर एक चीज रह गई, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, यह क्या काम करता है आपका, यह कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को नियंत्रित करता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। तो यहां से इन बातों को जरूर याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब हम आगे नेक्स्ट ग्रंथि पर आते हैं, हमारी है वह है हमारी थायराइड ग्रंथि,